नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के गढ़ा रोड पर स्थित एक पार्क में एक व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक की नहीं हो पाई पहचान। अमृतसर में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गो रक्षा महासंघ की तरफ से गो माता की पूजा कर मनाया गया मातृ दिवस। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के गढ़ा रोड पर स्थित रॉयल एनफील्ड की बैक साइड बने पार्क के नजदीक एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए एक महिला ने कहा कि उन्होंने पार्क के पास एक व्यक्ति का शव देखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने आधा घंटा पहले वहां शव को देखा और अब जब वे दोबारा वहां आई तो उन्होंने देखा कि किसी ने भी घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। वही महिला ने बताया कि शव काफी समय से वहां पड़ा हुआ था। इस दौरान मामले की जानकारी देते हुए इलाका वासियों ने बताया कि उक्त मृतक व्यक्ति गत दिवस भी यहां बैठा हुआ था और उसने शराब पी हुई थी। वही उन्होंने बताया कि उक्त मृतक व्यक्ति इलाके में भीख मांगता था। उन्होंने कहा कि भूख के कारण उसकी मौत होने की आशंका है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर उसे सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया। तो वहीं मृतक की पहचान नहीं हो पाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हां जी सर, भूख मांगता पहला उतरले होटल पर बैठा सीगा, कल भी इतने बैठा रहा है, कल ने दर्द दूर पीती सी ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੁਛ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਦੇਖਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੇ। ਮੈਨੇ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਇਨਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਇਤਲਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਹਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ कि हम तो प्रेस रिपोर्टर वाले हैं, हम तो बस यही देखने आए हैं। कितनी 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 देर तो गई हुई बॉडी पर? अद्धा घंटा हो गया। हाँ जी, अद्धा घंटा हो गया। देखिए देखे मुझे। हाँ जी, तो इतने रहने हो? नहीं जी, असि जमशेद तो आए। अच्छा, जमशेद तो आए। वैसे काम करते हो तुम इतने? तो जिस तरह दस दिन उत्थे लोग जो दस दिन, एक बंद ने दसाया कि ये जी डेड बॉडी है ये सवेर की पई हुई है। पता नहीं सवेर का नहीं, मैं तो देखे, मैं तो हूँ देखे अद्धे घंटे। राष्ट्रीय गो रक्षा महासंघ अमृतसर ने मातृ दिवस के अवसर पर गो माता की पूजा कर मातृ दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गो महारक्षा महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर रोहन मेहरा ने सभी को मातृ दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश की खुशहाली और अच्छी संभाल के लिए जिला उप प्रधान पंडित प्रदीप कुमार की प्रधानगी में हवन यज्ञ किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने सड़कों पर घूम रही गौ माता की आरती भी की। इस दौरान डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि गौ को गौ माता कहा जाता है जिसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमें प्रतिदिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए और सड़कों पर घूम रही बेसहारा गौओं को चारा डालना चाहिए ताकि वे कूड़ा करकट ना खाएं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज सब तो पहला तो मैं मदर्स डे की सारे बधाई देना वा, मातृ दिवस अज हैगा वा। तो मैं सब तो पहला हिंदू भरावान मावान भैनों एक संदेश देना चाहना वा कि मातृ दिवस जड़ा वा असी मदर्स डे रूप के जिस तरह कॉमनली मनाने वैसटर्न कंट्रीज़ के भी इंडिया के भी मनाया जाता, लेकिन असं यह भूलते जा रहे हैं कि साड़ी असल माँ जी है जी सानू मरदे दम तक पालती है। तो विश्व माता असं उन्होंने कहने जिन्हों के सारे देवी देवतावान का वास है, असं उन्होंने भूल जाने। अज असी पूरे पंजाब दे विच इक जिहड़ा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि मदर्स डे ते असी अपनी जिहड़ी गौ माता वा उन्होंने ना भुलीए। तो अज असी उन्होंने सब तो पहला हवन यज्ञ करवाया कि जिहड़ियां पंजाब दे विच ते होर भी पूरे भारत दे विच जिहड़ियां जिहड़ियां स्टेट्स दे विच गौ माता की बुरी हालत देखने को मिल रही है, जिस तरह कि असी कूड़े दे नाल कूड़ा खांदियां असी देखते हैं, होर भी बीमारियां दे नाल सड़क ते कई वारी तड़फदियां मरदे देखते हैं असी गौ माता नूं, उन्हां दी सुख समृद्धि लई असी हवन करवाया वा कि परमात्मा सानू जिहड़ा शक्ति बख्शन कि असी जल्दी जिहड़े मैं कहांगा करप्शन इन्नी ज़्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया दे विच ते पंजाब च इन्नी वध चुकी है कि
कि करप्शन के करके जो प्रॉपर उन्होंने ना तो शैल्टर मिल रहा ना खाना मिल रहा तो असी उन्होंने सुख समृद्धि लिए अच्छ हवन करवाया वाल असी मैसेज कन्वे किया वा सारे कि मदरस डे ते मातृ दिवस ते गौ माता नूं जरूर याद करो उन्हां दा पूजन अर्चना जरूर करनी चाहिए है वो नाल नाल पूजा अर्चना दे नाल अगर तुहाडे महल्ले दे विच एरिया दे विच कोई भी गौ माता बीमार है वह पालन पोषण करना साडा फर्ज बनता है साडा धर्म यही कहिंदा वा कि असीं मंदिर दे विच जो जाने हैं शिवजी महाराज दे अगे सब तो पहला नंदी बैठे हुंदे आ ते उही नंदी जो साडे महल्ले दे विच कूड़ा खान बाहर बीमार बैठे हों ते साडे मंदिर जाण दा कोई फायदा नहीं राधा कृष्ण जी मत्था टेकते हैं सब तो प्यारे गौ माता उन्होंने सके तो असी उन्होंने विचारों भी फॉलो करते हैं गीता पढ़ते हैं लेकिन असी यह नहीं देख रहे कि साडे घरां दे बाहर दे विच गौ माता कूड़ा खा रही है मंदिर की जान की बजाय असी पहला उन्होंने देख रेख करिए गौ माता खुश होणगे नंदी महाराज खुश होणगे ते परमात्मा अपने आप तुहानूं आशीर्वाद देणगे जी बहुत बहुत शुकराना करते हैं डॉक्टर साहब का जिन्होंने सानूं जिम्मेवारी सौंपी है कि गौ माता की रक्षा लई उन्होंने हित लई कि असी किसी भी प्रकार की उन्होंने सेवा करें तो यह सेवा सारे जी मैंबर की लाई है असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हर प्रकार की जिमें जिमें कोई बीमार होंगी है या कोई उन्होंने चोट या एक्सीडेंट होंगे और भी कई प्रकार दो और भी एनीमल साढ़े को लगे ने पशु पंछी ने इन्हों की सेवा सेवा लिए असी हर प्रकार तो अग्रसर हाँ पहले तो करते आ रहे हैं जी असं यह सारे ही सारा साडा परिवार है तो पिछो पिछो ही करते आ रहे हैं मैसेज है देव जावे जिम्मे अज हवन यज्ञ किया वा यह सू शक्ति प्रदान करे अगे गए तो सारे बुद्धि वर्धन कर सारे इस तरह अग्रसर हो जिन्होंने जिन्होंने मिले वा ओदा वह भी सारे नाल जुड़न मदर डे की सारे भैन भरावों को लख लख बधाई हो माता दे माता भी एक बच्चा पैदा करती है ठीक है इस तरह ही गऊ माता वे गऊ माता की भी अही इस तरह ही रक्षा करा जिमें असी सू साडे माँ बाप पाल के व्डे करते हैं इस तरह ही गऊ माता की भी सेवा करी की जाए क्योंकि जड़िया गऊ जिमें कूड़ा करकट खादिया ने जिमें गंद मंद खादिया ने क्यों कारपोरेशन के डॉक्टर साहब तो साढ़े एनीमल डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब डॉक्टर रोहिन मेहरा जी बड़े व्डे पद्धर से आवाज़ चुकते आ रहे हैं पर कारपोरेशन के अधारे दे विच कोई गल नहीं सुनवाई होती थी तो जे इन्होंने ना सुनवाई की जिमें लोहगढ़ की गऊशाला हैगी है लोहगढ़ के बाहर ही गऊशाला सड़कों घूमदिया फिर ने की गल उतों का ट्रस्ट सुता पाया वे उतों के ट्रस्ट में भी जागना पाई चाहिए वे जिमें साडे डॉक्टर साहब डॉक्टर रोहिन मेहरा जी दिन भर दिन दिन रात करके सेवा निभा रहे हैं असी इस तरह ही डॉक्टर रोहिन मेहरा के नाल पूरी तनमय तनन दे नाल सेवा निभावांगे जिथे साडी ड्यूटी लाणगे असीं पूरी तनमन तनन निभावांगे जी। जालंधर छावनी में बजरंग भवन की तरफ से श्री बालाजी महाराज का एक विशाल जागरण करवाया गया जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी ने श्री बालाजी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक क्षेत्र विच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह सोडी भाजपा लोकसभा उम्मीदवार सुशील कुमार इंकू बजरंग भवन के प्रधान भूषण अग्रवाल भूषी श्रोमणी अकाली दल से उम्मीदवार हरजाप सिंह संघा हरविंदर सिंह पप्पू संजीव आदि मौजूद रही। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। Oh, my God.
श्री विद्या बंगला मुखी धाम न्यू प्रेमनगर जालंधर में 16 मई को मां बंगला मुखी जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को निमंत्रण पत्र भेंट करने के लिए महंत हरिराम दास महाराज, श्यामलाल चड्ढा, अरुण वर्मा, आशीष भारी, राकेश महाजन, राजन चोपड़ा और शालू दैनिक सवेरा के कार्यालय सवेरा भवन में पहुंचे। इस मौके पर महंत हरि राम दास महाराज ने बताया कि 10 मई से घट स्थापना और मां बंगला मुखी जी का मंत्र अनुष्ठान आरंभ हुआ। 15 मई को साय 5 से 7 बजे तक मंदिर परिसर से शोभा यात्रा सजाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 16 मई को सुबह 7 बजे से हवन यज्ञ और 10 से 12 बजे तक माता की चौकी का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके बाद दोपहर 1 से 3 बजे तक कपिल कोहली एंड ग्रुप की ओर से भगवान शिव जी की झांकियां पेश की जाएंगी। इस दौरान मां भगवती का विशाल लंगर भंडारा भी चलाया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जैसे आप सभी को विदित है, 16 मई को अष्टम महाविद्या श्री माता बगला मुखी जी का जन्मोत्सव जयंती बड़ी पूरे भारत में है, बड़े धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष में शिव मंदिर श्री विद्या बगलामुखी धाम न्यू प्रेम नगर में बगलामुखी जयंती बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष में हमने 10 मई को बगलामुखी का दिव्य अनुष्ठान, जिसमें कि ब्राह्मणों के द्वारा 1.25 लाख बगलामुखी मूल मंत्र का जाप करवाने का संकल्प लिया, जो जप की 14 तारीख को पूरा होगा, 15 तारीख को सुबह हवन होगा और शाम को 4 बजे से भगवती की इच्छा तक दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी इस महायज्ञ में अधिकाधिक संख्या में आकर भगवती का कृपा प्रसाद ग्रहण करें। 16 मई को प्रातः सूक्ष्म रूप से हवन यज्ञ होगा और उसके बाद भगवती के विशाल चौकी, जिसमें कि प्रदीप पुजारी एंड पार्टी भगवती का गुणगान करेंगे, जो कि कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा। उसके उपरांत 1 बजे से 3 बजे तक कपिल ग्रुप और 8 ग्रुप के द्वारा दिव्य झांकियों का आयोजन किया जाएगा और न्यू प्रेम नगर में
इस महाउत्सव को बड़े ही ऊंचे स्तर पर मनाया जा रहा है। आप सभी भक्तों से हमारा अनुरोध है कि आप सभी जरूर आएं। भगवती यहाँ पर साक्षात विराजमान है, निसंदेह आप सभी के मनोरथ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जयकारा बगलामुखी माई जी दा बोल साचे दरबार की जय। महानगर की अग्रणी धार्मिक संस्था सर्व सांझा दरबार चैरिटेबल कमेटी की ओर से एक विशाल धार्मिक सर्व सांझा सत्संग समारोह पठानकोट चौक नजदीक बल्ले बल्ले फॉर्म में मालिक साहिब जोत की देखरेख में करवाया गया। तो वहीं मालिक साहिब जोत की देखरेख में करवाए गए समागम में मालिक साहिब जोत ने विशेष रूप से उपस्थित होकर राज्य भर से आई संगत को अपने सत्संग के माध्यम से कृतार्थ किया। इस दौरान मालिक साहिब जोत ने उपस्थित संगत को कहा कि जब सिकंदर मरा तो उसकी दोनों बाहें और हथेलियां खुली हुई थी। दार्शनिकों ने इस मौत पर कहा, इस राजा ने अपने पूरे जीवन काल में अधिक युद्ध जीते, कई राज्यों के साम्राज्यों पर कब्जा किया, लेकिन जब दुनिया से गया तो इसके हाथ खाली रह गए। हर इंसान की तरह सिकंदर भी खाली हाथ ही गया, पर अपनी मौत की वजह अपनी धड़कनों के साथ ही ले गया। मनुष्य संसार में खाली हाथ आया था और उसे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, इसलिए भगवान के भजन पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु की भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी और मनुष्य सुखी रहेगा। पहले भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, तभी भगवान की कृपा भक्त पर होगी। इस दौरान समागम में आई संगत के लिए प्रसाद के रूप में लंगर का इंतजाम भी चलता रहा। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मालिक साहिब जोत जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां मालिक साहिब जोत ने विशेष रूप से आए हुए गणमान्यों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर चेयरमैन मलिक, प्रधान बलदेव राज, सचिव रिंकू, कैशियर टेकचंद रिंकू बसरा, साचन साबी, सुरजीत राय, लखाराम हैप्पी, योगेश, सुमित, पम्मा सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। नवयुवक सेवक सभा जालंधर की ओर से 15वां वार्षिक जागरण काली माता मंदिर मिनी मार्केट सब्जी मंडी इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करवाया गया। सबसे पहले गणेश वंदना को गाकर इस जागरण की शुरुआत की गई। इस दौरान श्री ज्वाला जी मंदिर से मां की पावन ज्योति लाई गई, जिसके दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में मां भक्त पहुंचे। तो वहीं प्रसिद्ध भजन गायकों की ओर से रात भर माता रानी के भजनों का गुणगान कर उपस्थित मां भक्तों को मंत्रमुग्ध किया गया। इस दौरान मोनू नीलकंठ महादेव ग्रुप की ओर से सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर आप नेता दिनेश ढल, दीपक शारदा, रमन शर्मा, भाजपा जालंधर लोकसभा उम्मीदवार सुशील रिंकू, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, विधायक बाबा हेनरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पूरी रात लंगर भंडारा चलता रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की। 15वां जागरण ओ यार आ देख तो बड़े चाव और श्रद्धा के नाल प्रिंस सोनू पीछे करवाया जा रहा है। मेरे वीर सोनू जी, उन्हां दे साथी सतीश राणा जी और पूरी टीम है जिहड़ी अज रल के महामाई दे चरणां दे नाल इलाके दीआं सारीआं संगतां नूं जोड़ रहे आ। और जिस इलाके दे विच महामाई दा जागरण हुंदा है, सारी रात महामाई दी पवित्र जोत दी हाजरी हुंदी है। माँ भगवती दे जिहड़े भजन हन, माँ भगवती दे जिहड़े जयकारे हन, उन्हां दे नाल इलाका जो गूंजता है तो मैं समझता कि बहुत बड़ा जो आशीर्वाद है सारी संगत को मिलता। और खास करके सारी सभा ने जो उपराला किया है, लगातार 15 साल तो सेवावान निभा रहे हैं। सो माँ भगवती कृपा करन इन सारे साथियों से, सोनू जी से, राणा जी से और खास करके मेरा वीर हकीकत राय, जिहड़े अज अपनी सुरीली आवाज दे नाल जिन्होंने महामाई के भजनों का गुणगान करना है। और मैया तेरी चुन्नी नू, मैया तेरी चुन्नी सितारे लगे Hare Krishna।
लोक भलाई वेलफेयर सोसाइटी सोडल नगर चरंद्र की ओर से रामलीला पार्क में क्षेत्र की चढ़दी कला के लिए महान कीर्तन दरबार सजाया गया। इस अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप गुरुद्वारा जस्सा सिंह रामगढ़िया सिद्ध मोहल्ला से नगर कीर्तन के रूप में समागम स्थान के लिए रवाना हुआ। सर्वप्रथम रहरास जी का पाठ किया गया। इस उपरांत भाई जोगा सिंह जालंधर वाले, भाई दविंदर सिंह निर्माण अमृतसर वाले और हजूरी रागी भाई अमनदीप सिंह की ओर से शब्द कीर्तन द्वारा उपस्थित संगत को निहाल किया गया। इस मौके पर आप नेता दिनेश ढल, दीपक शारदा, रमन शर्मा, भाजपा जालंधर लोकसभा उम्मीदवार सुशील निंकू, पूर्व CPS केडी भंडारी, विधायक बाबा हेनरी विशेष रूप से कीर्तन दरबार में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगतें मौजूद रही और अंत में गुरु का लंगर भी अतुट वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दविंदर सिंह जी निर्माण के उन्होंने साथी जिन्होंने सतगुरु जी की महिमा के शब्द गायन किए तो संतान गुरु चरणा के नाल जोड़िया। भाई साहब भाई गुरदास जी की वार की पौड़ी इन्होंने पहला आप जी ने श्रवण कराई। बेप सुदामा आखिए बाल सिखाई मित्र सदाए लागू हुई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। सुदामा जी जिहड़े उन्होंने जमाती सन कृष्ण भगवान जी दे उन्होंने धर्मपत्नी जिद विच पै गई कि वह राजे ने द्वारका के राजे बन गए, तुसीं भी जाओ तो साडा दलिद्र साडी गरीबी दूर हो गए। तो भगवान नूं असीं गरीब निवाज कहने, सतगुरु नूं असीं गरीब निवाज कहने, जिहड़े गरीबां नूं निवाज देने, जिन्हां दा कोई नहीं है उन्हां दा सतगुरु है। निमाणिया के माण, नीताणिया के ताण, न्योटिया की ओट, न्यासरिया के आसरे, नपत्या की पत्त, नगत्या की गत, नितरिया की तिर, नलज्जिया की लज। ऐसे महान सतगुरु जिन्हां दी असीं गोद दे विच बैठे हाँ। सतगुरु जी का फरमान है साचे हर कीर्तन का आरो, हर कीर्तन
समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक सत्संग एवं हवन यज्ञ करवाया गया। इस अवसर पर अनिल भसीन और कंचन भसीन, सूरज कुमार और प्रीति कुमारी ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। तो वहीं इस मौके पर ब्रह्माचार्य सुशील आर्य ने पवित्र वेद मंत्रों का जाप कर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। इस दौरान आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पौडवाल और सोनू भारती ने भजनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं आर्य समाज के सचिव हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए यज्ञ परिवारों और श्रद्धालुओं का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारीलाल शर्मा, नल्ली उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। वो इस जीवन को जीता है और अगर आप ध्यान से देखें तो दो तरह का ये जगत है, हमारा ये जो संसार है ये दो तरह का है। एक तो बाहरी संसार है जहाँ प्रकृति है, लोग हैं, अलग तरह अलग अलग विचार हैं लोगों के। एक तो बाहरी संसार है, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है। तो एक संसार जो है वो हमने अपने भीतर बनाया हुआ है जो विचारों का संसार है। हमारे भीतर जैसी जैसी इच्छाएं होती हैं, जैसी जैसी वासनाएं होती हैं, वैसा ही हमें संसार दिखाई देता है। आपको बड़ी हैरानी की बात है, हम अपनी वासनाओं के जगत में रहते हैं। अगर मेरी वासना धन की है तो ये जगत है, ये संसार है, सब यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, एक तो इस जगत में बैठे हुए हैं, एक अपने भीतर के संसार में बैठे हुए हैं। हमारी जो विचारना है, हम कैसे विचार करते हैं, हमारे भीतर कैसे गुण हैं या अवगुण हैं, क्या हमारी भावनाएं हैं, सच्ची हैं, झूठी हैं, मेरी वासनाएं, मेरे अहंकार, ये सब कुछ जो है एक मेरे भीतर एक संसार बना हुआ है, एक जगत बना हुआ है जिसे पतंजलि कहते हैं कि तुम चित्त के संसार में रहते हो। और बाहरी संसार का विस्तार नहीं है, हमारे भीतर का संसार बड़ा गहरा है। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारे अहंकार इतने सूक्ष्म है। अगर हम धर्म का काम भी करते हैं तो मेरा अहंकार ये कहता है कि अगर मैं शुभ कर्म भी करता हूं तो इसका जो है ढिंढोरा पिटना चाहिए, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मेरे अहंकार की पूर्ति करें। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये पॉलिटिशियन बड़ा विनम्र है, लेकिन उसकी विनम्रता के पीछे उसका अहंकार छिपा हुआ है। ये जगत जो भीतर का है ये बड़ा रहस्यमयी है। मंदिर के ओर जा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ मरे आचार्य जी ने आज पवित्र पवन वेद मंत्रों द्वारा इस यज्ञ में आज के विशेष जो मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित हुए हमारे भाई सिंह परिवार, अनिल सिंह जी, कंचन सिंह जी, भाई जतेंद्र सरतारिया, पेटा वेश का जन्मदिन था हमारे और विवाह वर्षगांठ थी, 3 दिन पहले थी, लेकिन हमने परिवारों ने विचार किया हुआ कि सप्ताह में जिसका है वो हमारे समाज में आकर के अपने वैदिक संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति को अपनाते हुए यज्ञ करेंगे। तो आज के मुख्य यजमान के रूप में हमारे करतारपुर से विशेष रूप सूरज कुमार जी अपने परिवार से पहुँचे हैं। इस आर्य समाज में आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, आपने आकर के इस की शोभा बढ़ाई है सभी ने मिलकर के। चंडीगढ़ से वेद प्रकाश जी, केबल किशन चोपड़ा जी, विशेष करके हमारे बीच में हमारे मेहमान के रूप में वेद प्रकाश जी, क्योंकि विशेष चंडीगढ़ से आप बता रहे हैं, इनका भी अभिनंदन स्वागत। राणा जी बस पहुँचे हमारे बीच में, माधव से इतने दूर से आए, विशेष करके आज पहली बार हमारे बीच में छन्ना परिवार से हमारे आर्य परिवार है, वो छुपा रहता है, छुपा हुआ था दीपक जी, ये क्योंकि जो हमारे पास में रहते हमारे पास नहीं थे, तो आज हमें मिल गए हैं कि आर्य समाज के और डॉक्टर विजय भाटिया जी बिल्कुल सामने रहते हैं, इन्हीं की प्रेरणा से ये यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्व मुखी मातृपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाएगी, जिसमें सर्वप्रथम मातृपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक अमित शर्मा एंड पार्टी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
समाज सेवक एवं उद्योगपति राकेश कुमार गुप्ता एवं संजीव कुमार गुप्ता की पूजनीय माता स्वर्गीय शीला रानी जी 30 अप्रैल को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी थी। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म क्रिया एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री सिद्ध शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर के श्री राम हाल में किया गया, जिसमें दिल्ली के प्रसिद्ध भजन गायक हिमांशु शर्मा ने वैराग में संकीर्तन कर स्वर्गीय शीला रानी को श्रद्धांजलि भेंट की। इस अवसर पर आप नेता मनु छाबड़ा, सुनील कांसल, सुनील गर्ग, सुरेश कांसल, बालकिशन महाजन, तुषांत गर्ग, दीपक अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, विक्रम अग्रवाल, विजय गर्ग, सोनू गर्ग, अक्षय गोयल, राकेश तलवाड़, अलका तलवाड़, रजनीश उप्पल, वरुण गुप्ता, विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व विधायक कृष्णदेव भंडारी, प्रसिद्ध उद्योगपति कुशल शर्मा, नरेश सहगल, सुरेश गर्ग, रमन शर्मा, भाजपा नेता राजीव दुग्गल, बाबा गुप्ता, अश्विनी अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, राहुल ग्रोवर, कुणाल वर्मा, अंकित कटारिया, गौरव कटारिया, अभिमन्यु जैन, नरेंद्र शर्मा नंदी, भगवान दास शर्मा, जीवन शर्मा, विजय महाजन, गुलशन शर्मा, चौधरी राम कुमार एवं पारिवारिक सदस्यों में राकेश गुप्ता, सुनीता रानी, स्वर्गीय रमेश गुप्ता, रीता रानी, संजीव गुप्ता, रीमा रानी, संगीता रानी, सुरेंद्र गुप्ता, मनीष गुप्ता, गीता अंजली गुप्ता, साहिल गुप्ता, अंशिमा गुप्ता, पंकज गुप्ता, शाइना गुप्ता, सौरभ गुप्ता, दीक्षा गुप्ता, शुभम गुप्ता, मयूर गुप्ता, श्रुति गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, प्रीति गुप्ता, मोहित गुप्ता, सोनल गुप्ता, वरुण गुप्ता, तानिया गुप्ता, चाहत गुप्ता, वानिया गुप्ता, आराध्या गुप्ता, ध्वनि गुप्ता, ऋषिका गुप्ता, जोश स्वरूप गुप्ता, दिव्य ज्योत गुप्ता, कैरव गुप्ता, किरण गुप्ता, अंगद गुप्ता, शब्द गुप्ता, नादर गुप्ता, वायु गुप्ता, हिमालय गुप्ता सहित धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय शीला रानी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
अंतिम अरदास दे विच शहर दे जिन्हें भी दर्शनां प्यार करने वाले वॉइस परिवार को संगत करने लिए आए। इस परिवार के सब तो बड़े मेरे अंकल जी मेरे पिता जी ने राकेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने छोटे साढ़े चाचा जी संजीव गुप्ता जी, साहिल जी के खाला साहब वीर पैरों हो गए हैं, उन्होंने नाल मेरे छोटे भी जिन्होंने नेशन मेरा एक भरावा वर्ग रिश्ता है पंकज मनीष, ये वो गुप्ता परिवार है जिदा हमने उन्हें असं लास्ट भजन सुने हैं कि किसी ने परमात्मा अगर देखा है वो माता जी के देखा इस परिवार माता शक्ति महानुभा अज अस सारे साढ़े पूजनीय माता शीला राणा जी की अंतिम अरदास हो महाशिव इस हस्ती का सब तो प्यारा सब समाज सेवक शशि शर्मा की चाची कांता रानी गत दिनों प्रभु चरणों में जा विराजी। उनकी आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर व्यास पीठ पर आसीन पंडित भागवत प्रसाद जी ने गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय कांता रानी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर आप विधायक रमन अरोड़ा, रियान बाली, जिमी कालिया, नीलकंठ जज, भाजपा के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, शशि शर्मा, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, विपन सब्रवाल, जतिंदर लकी रहेजा, दिनेश कमल, विजय कुमार, शिव शर्मा, चेतन अशोक भील, अनिल शर्मा, कृष्ण गोपाल, देविंदर साहनी, गुलशन, राजीव अरोड़ा, गोला पहलवान, नवदीप सिंह और पारिवारिक सदस्यों में रवि शर्मा, पूजा शर्मा, देव प्रकाश शर्मा, शशि शर्मा, आदर्श शर्मा, रियान शर्मा के अलावा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कांता रानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हजारों मील उस पक्षी ने मरना है तो ये उड़ के वहां नहीं पहुंच सकता, और मैं यहां से इसको देख रहा हूं यहां विष्णु के धाम में तो ये मर नहीं सकता। यही देखते हुए कि टेढ़ी नजर यमराज पर, जो यमराज उस पक्षी को देख रहे थे वही नजर गरुड़ जी ने देखी कि यमराज जी तो इसको मार ही डालेंगे। गरुड़ जी ने अपने पंजों में उस पक्षी को पकड़ा और लेके उड़ गए, जहां उसकी मौत थी वहीं जाके छोड़ दिया, क्योंकि स्वयं तो उड़ के नहीं जा सकता था, लेकिन गरुड़ जी इतने तेज उड़े कि जहां उसकी जिस समय मृत्यु होनी थी उस जीव को ले जाके वहीं छोड़ दिया और वहां जाते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब या तो समझ लो कि गरुड़ जी के द्वारा उसको वहां पहुंचाना या उसका काल वहां पे ठहर जाना, कि काल वहीं पे था, मृत्यु भी वहीं होनी थी और मृत्यु निश्चित है। आज रखा गया उन्हें मित्र भी कटे हुए हैं,
ते बहुत ही दुख की घड़ी है। इन्हों के बेटे रवि जी बेटी पूजा जी उन्होंने प्रभु अगे असी चरणों के बेनती करते हैं कि जोड़ा ये भार उन्होंने बीते है उन्होंने मनन का बल बख्शन ताकि वो अपने बाकी जोड़े परिवार के मैंबर है उन्होंने सारे का साथ दे के अपने परिवार को हौसला दे सकन। सो इतने जिन्हें भी दूर मेरे चल के सारे सज्जन आए हैं उन्होंने असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ईश्वर पंच तत्वों च बलीन हो गए हैं उन्होंने अज अंतिम अरदास के सारे ही गणमान्य व्यक्ति पहुँचे है। विशेष तौर पर शर्मा परिवार वालों असं उन्होंने सारे का धन्यवाद भी करते हैं और विशेष तौर पर पहुँचे श्री बेड़ी भंडारी जी MLA पूर्व रमन अरोड़ा जी MLA साहब श्री जिमी कालिया जी होर दर्जा बदर्जा विराजमान विजय प्रदीप जी इस लाई है आप आई कजा ले चली चले नाते खुशी आई नाते खुशी चले ना जन्म इंसान के हाथ है ना मौत इंसान के हाथ है। इंसान के हाथ है कि इस धरती के आगे कहो जो कर्म कर देंगे तो वजूद छोड़ गया। ऐसे बगैर माता खालसा जी के लिए लेकिन उन्होंने किए हुए कामों की खुशबू आज भी मिलती है। धर्मपाल जी उन्होंने अपने जीवन के घर संभालिया और उसके सत्ताहित उनके पति श्री बलदेव कृष्ण जी शर्मा समाजिक कामों धार्मिक कामों व्यवसायिक कामों आगे बढ़ रहे हैं। माता जी ने अपने औलाद को अच्छे संस्कार देते पढ़ाया लिखाया बनाया उसके संस्कार का सत्या है शर्मा परिवार का नाम है स्थान है। इतने अच्छे माली की पहचान उसकी परिवार को भी प्रबंध होगी हो खुशबूदार हो तो व्यक्ति अंदाजा लगाएगा इस बात का मालिक पहचान और व्यक्ति की पहचान उसकी औलाद तो होती है नहीं पूरे समाज लिखता हो तो जीवन सफल हो जाएगा उसके हाथ का माता कांता देवी जी सफल जीवन जी माता कांता देवी जी शेष शर्मा के चाची से इसीलिए और अंसर में बीमार है जिस ढंग सेवा की थी परिवार इकट्ठे हुए हैं दुख समझाने वास्ते हूँ मैं प्रभु परमात्मा की अरदास करता कि माता जी को चरणा च बस दे पिछे परिवार को दुख मन का भाला बख्शे और माता जी ने हमेशा ही परिवार को जोड़ के रखिया चंगी शिक्षा बच्चों को चंगी सोच बच्चों ने दी उधर सदके ही अज बहुत वही गिनती सारे दुख समझा करने वास्ते आए हैं। और मेरे वे भा शशि शर्मा जी जिन्होंने चाची जी से शिपा जी और देवता जी और साढ़े मंजन कालिया जी वो भी दुख समझा करने वास्ते आए हैं जतेंद्र नेका जी अशोक पीर जी नरेंद्र थापा जी मनोज नन्ना जी लक्की बाजी और साढ़े SHO साहब वही आए हैं चेतन हाडा जी और सरविंदर कोला जी सारे जने अज दुख समझा करने वास्ते आए हैं। और मैं परमात्मा की अरदास करना कि परमात्मा माता जी अपने चरणों चो वार दे पिछे परिवार को दुख मनन का भाला बख्शे। जय श्री राम जय श्री राम। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के गढ़ा रोड पर स्थित एक पार्क में एक व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी मृतक की नहीं हो पाई पहचान। अमृतसर में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गो रक्षा महासंघ की तरफ से गो माता की पूजा कर मनाया गया मातृ दिवस। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।